ओल्ड मैन दाइसाकू फॉक्स डॉक्टर के साथ चला गया और उसके बाद डॉटर के साथ। सर मुझे लगता है कि मेरी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। कोई बात नहीं, इसी तरह पढ़ते रहो। वो उसे छोड़ने के लिए चला गया और उसके बाद चलो बैठ जाओ। ये बताओ बूटा गोरिडा, ओल्ड मैन दाइसाकू अपनी डॉटर को छोड़ने गया, जरा उसकी फीलिंग्स के बारे में बताओ। कैसी फीलिंग्स सर, आप जानते हैं मैं ओल्ड मैन दाइसाकू तो नहीं हूँ। बूटा गोरिरा, आखिर तुम ये किस तरह का जवाब दे रहे हो? सर एक आइडिया है, बताऊं? अगर आपको उसकी फीलिंग्स जाननी है तो आप उसी से क्यों नहीं पूछते हैं, वो बिल्कुल सही फीलिंग्स बताएगा। बहुत हो गया बूटा गोरिरा, अब जल्दी से यहाँ आओ और खड़े हो जाओ। लेकिन मैंने किया क्या? समझ नहीं आता सर, हमेशा मुझे ही पनिशमेंट क्यों देते हैं, मेरा कसूर क्या है? वो इसलिए बूटा गोरिरा क्योंकि तुम क्लास में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। चुप हो जाओ टोंगारी, पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। लेकिन तुम्हारा मजाक उड़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मैं तुम्हारा कचूवर निकाल दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा था बूटा गोरिरा। तो ठीक है, जल्दी से मेरे लिए कुछ इन्वेंट करो। कुछ इन्वेंट करूं? लेकिन क्या? ऐसा डिवाइस जिससे सर मुझे डांटे ना। अरे ना, मुझसे सर बोझ न खरीब दे मनोतर। मेरे हदाई आई दिया दाने हैं। ओ नगर रे बोसी न खरीब दे मो हाथ में इसे मुराद तेरे दान देख। अरे कोरोसुके इतना मत हंसो। बूटा गोरिल्ला भी कैसी बातें करता है। मुझे नहीं लगता कि कितरेत्सु साइसामा ने गलती से भी ऐसी कोई डिवाइस बनाई होगी। शायद तुम ये बात नहीं जानते कितरेत्सु कि पुराने समय में भी ऐसे कुछ लोग होते थे जिन्हें लॉर्ड्स परेशान करते थे। मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। सच बोलो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे मालिक, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? मुझे साफ साफ जवाब दो। वो बात ये है कि तुम बहुत आलसी हो, तुम्हें अब सजा भुगतनी ही होगी, तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या, छोटी छोटी बातों पर वहाँ लोगों को सजा दी जाती थी? हो सकता है किसी को ऐसा करते हुए देख कर कितरेत्सु साइसामा ने कोई डिवाइस इन्वेंट की हो। अरे द फैन। देखो कोरोसुके, मुझे मिल गया, इसे जल्दी से जल्दी बनाओ। क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? कोरोसुके ध्यान से उस जगह को देखो जहाँ से तुमने इस फैन को पकड़ा हुआ है। अरे ये क्या, इस पर तो बहुत सारे बेबी ड्रम्स लटक रहे हैं कितरेत्सु। इन ड्रम्स में से स्पेशल साउंड वेव्स निकलती हैं, जो तुम्हारे राइवल के दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं। ऐसा इस किताब में लिखा है। कोरोसुके, क्या तुम मार्केट से थोड़ा सामान ले आओगे? www.animationindie2.blogspot.com। अरे कोरोसुके, कुछ भी तो नहीं,
कितरेत्सु? ये तो कमाल हो गया। लेकिन आपने तो कोरोसुके को बुलाया था ना? हाँ, कोई बात नहीं, अब तुम चले जाओ। जरा इधर तो आओ कोरोसुके, एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा कितरेत्सु। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोरोसुके मेरे साथ ऐसा करेगा। हाँ? अरे तुमने ये रास्ता क्यों रोक रखा है? हटो वहाँ से। मिस्टर बेंजो, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे कितरेत्सु तुम, मैं ये किताब पढ़ने में असल में ज्यादा ही बिजी हो गया था। लेकिन सड़क पर किताब पढ़ना ठीक नहीं है। असल में कल क्लास में मेरा एक जरूरी टेस्ट है, और तुम तो जानते ही हो, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। ऐसी बात है तो मेरे पास आपके लिए एक चीज है। क्या सच में? क्या तुमने वो फैन मिस्टर बेंजो को दे दिया? वो उसे आज ही वापस लौटा देंगे। क्या तुम्हें पता है स्कूल के मुकाबले यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी होती है? वैसे भी मिस्टर बेंजो पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा वर्सर है, क्या तुम ये बात नहीं जानते हो? वर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे थे। डोंगरी। खैर जो भी हो, मैं जा रही हूँ। रुको मियोको। कितरेत्सु, मैं चाहता हूँ कि तुम मियोको से कुछ भी ना कहो, ठीक है? अगर तुमने कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कितरेत्सु। मिस्टर बेंजो, क्या आप यहाँ पर हैं? अरे कोरोसुके, कितरेत्सु का वो फैन तो एकदम कमाल का था, उससे मेरा काम पूरा हो गया। मिस्टर बेंजो, बात ये है कि मैं वो फैन वापस लेने आया हूँ। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे तुम्हारे पापा को दिया। क्या कहा, पापा को? हाँ, मिस्टर बेंजो मुझे आज रास्ते में मिले थे और उन्होंने ये आपको दे दिया। कितरेत्सु, तुम कई बार कुछ अच्छी चीजें भी इन्वेंट कर लेते हो। मैं कुछ समझा नहीं। कल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरा प्लान अभी तक तैयार नहीं है, अगर मैनेजमेंट को पता चल गया तो। तो आपका मतलब है कि? एक बात बताइए, आज आप अपना अम्ब्रेला वापस क्यों नहीं लेकर आए? अरे नहीं, उसे तो मैं ट्रेन में ही भूल गया। फिर से, क्या आपको अंदाजा भी है कि आप इस साल कितने सारे अम्ब्रेलास घुमा चुके हैं? बताइए। कितरेत्सु, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे टोको मत तुम। अरे मॉम, अचानक आपको क्या हो गया? अरे कोरोसुके। कितरेत्सु, मैंने कहा ना, बात को बदलने की कोशिश मत करो। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। यकीन नहीं होता, कोरोसुके जिसने वो डिवाइस बनाई अब वही मुसीबत में फंसने वाला है। लेकिन सबसे पहले तुम बूटा गोरिल्ला के बारे में सोचो। अगर मैंने कल उसे वो फैन नहीं दिया तो पता नहीं वो मेरा क्या करेगा। क्या तुम एक और नहीं बना सकते? मैं उसे कल तक नहीं बना पाऊंगा। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। कोरोसुके, इससे काम बन जाएगा। है? क्या ये तुमने बनाया कोरोसुके? इसे मैं मॉम के कबर्ड से लेकर आया हूँ। अच्छा, ये सिर्फ नॉर्मल फैन है, क्या तुम इससे एक दिन काम नहीं चला सकते? मुझे तो ये सिर्फ एक सिंपल फैन लग रहा है कितरेत्सु। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। चलो ठीक है, अब ये बताओ इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? बताओ कौन जवाब देगा? सर मुझसे ना पूछें, सर मुझसे ना पूछें, सर मुझसे ना पूछें। ढोंगारी। आज मैं बच गया। ये एक सिंपल फैन जैसा तो नहीं लगता, क्यों बताओ? अभी बताता हूँ, मुझे ये फैन कितरेत्सु ने दिया है मियोको। हाँ, ये मेरा है। इससे होता क्या है? ये एक ऐसा फैन है जिसकी मदद से आप टीचर से बच सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगे कितरेत्सु। अरे मियोको। तुम ये बात सर को मत बताना प्लीज मियोको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि ये बात मैं टीचर को ना बताऊँ तो ये तुम्हें मुझे भी देना होगा। ठीक है, लेकिन अपना काम पूरा होते ही इसे वापस कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ठीक है, इसे रख लो मियोको। थैंक यू सो मच। लेकिन मियोको, ये फैन तो क्या हुआ कितरेत्सु, कोई गड़बड़ है क्या? अरे नहीं तो क्या, मियोको को
तुमने बताया नहीं कि वो फैन नकली है? मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला, बूटा गोरिरा वहीं पर था ना, इसलिए बेचारी मियोको का क्या होगा। मियोको जवाब दो, क्या तुम घर पर नहीं हो? अगर नहीं हो तो कम से कम बता तो दो। कितरेत्सु, मियोको घर पर नहीं है। आखिर ये सब लोग कहाँ जा सकते हैं? तो आज मैं ये डिसाइड करने वाली हूँ कि आने वाली प्रेजेंटेशन में पूरे ग्रुप की तरफ से कौन वेलकम रिमार्क्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? मियोको, मॉम अभी शांत हो जाइए। मुझे इस वैन को किस तरह से चलाना है? अगर मैंने फैसला आप पर छोड़ा तो हम कोई एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए डिसीजन मैं लूंगी। इंस्ट्रक्टर की तरफ करके चलाइए मॉम। हाँ ठीक है। और ये डिसीजन लेने के लिए www.animatunhindi2.blogspot.com। ये तो आपकी तरफ देख रही है मॉम। और इस बार मैंने चुना है मिसेज नोनोहाना को। क्या कह रही है मैम? लेकिन मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। क्या किसी को कुछ कहना है? अगर नहीं तो डिसाइड हो गया। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिया गया। अरे वाह, कमाल हो गया। हैं? लेकिन कैसे, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ये रहा तुम्हारा वो फैन, ये लो इसे वापस। मैं बताने के लिए तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम नहीं थी। थैंक यू कितरेचु, अब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो इससे इतना नफरत करती है। तुम्हें हजारों लोगों के सामने बोलना पड़ता है, मुझे नहीं लगता मम्मा कुछ कह पाएंगी, उन्हें स्टेज फोबिया है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें गलती मेरी है, मैं किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहती थी। कितरेचु, बूटा गोरिल्ला तुम यहाँ? लाओ वो फैन अब मुझे दे दो, मुझे जरूरत है उसकी। हैं? अब तुम्हें ये क्यों चाहिए? पापा की वजह से, उन्हें सिटी ऑफिस के ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया है। मेरी बात तो सुनो बूटा गोरिल्ला। मुझे कुछ नहीं सुनना। पर ये असली नहीं है बूटा गोरिल्ला। मुझे माफ कर दो। रुक जाओ कोरोसुके, तुमने मुझे नकली फैन देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये फैन काम तो करता है ना बूटा गोरिल्ला। मैं कहता हूँ रुक जाओ कोरोसुके। हाँ कोरोसुके। पापा, बात क्या है कोरोसुके? उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा रहेगा कोरोसुके। अंकल इसने कहा था कि ये मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना चाहता है। सच में? क्या तुम इसीलिए अपनी साइकिल पर इसका पीछा कर रहे थे? वाह बूटा गोरिल्ला, क्यों यही बात थी ना कोरोसुके? सही कहा तुमने। तो सही है ना कोरोसुके? हाँ लगता तो ऐसा ही है। अब हमें घर चलना चाहिए कोरोसुके, डिनर का टाइम हो गया है। हाँ चलो चलते हैं। पापा वैसे वो फैन कहाँ है बताइए ना। फैन तो वो मैं। ओह ये बात है, लगता है असली वाला फैन आपके पास है अंकल। हाँ तुम्हारे उस फैन से मुझे वाकई बहुत मदद मिली। एक्सक्यूज मी अंकल, लेकिन अब उसे लेने की बारी मेरी है, आप उसे वापस कर दीजिए। अच्छा तो तुम्हें भी वो चाहिए? अच्छा तो ठीक है ले लो, लो ये रहा। थैंक यू अंकल। हाँ हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी खाते रहो, बहुत बढ़िया करो सुके। ओके ओके, लेकिन आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं मुझे ऐसा करने दो, तुम जानते नहीं हो तुमने मेरी कितनी मदद की है, तुम्हारा वो फैन तो कमाल का है। अगर आप उसे फिर से यूज करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग एडवांस में करवाइए। अरे करो सुके। मिस्टर बेंजो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कितरेत्सु? लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो कितरेत्सु? मुझे लगता है अगर हम पूरी तरह इसके भरोसे रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, है ना मिस्टर बेंजो? हाँ ये तो है, मुझे भी लगता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें उस फैन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पापा अभी तक घर नहीं आए हैं, काश पता चल जाता कि वहाँ हो क्या रहा है। हा? पापा पापा बताइए ना, पापा बताइए ना वहाँ क्या हुआ, ऑफिसर्स ने क्या कहा? बूटा गोरिल्ला उस फैन से कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? उस कोरोसुके को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने झूठ बोला। नहीं नहीं रुको, दरअसल उसमें फैन की कोई गलती नहीं थी।
आखिर आप कहना क्या चाहते हैं पापा? असल में उस जगह पर बहुत शोर हो रहा था। ओके, तो अब हम लोग चूज करना शुरू करेंगे। मुझे दो ये फैन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन रुको, ये फैन मेरा है प्लीज। अच्छा कलर है, साइज भी ठीक है, परफेक्ट है। तो इस तरह से जब वो फैन मुझे चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। लेकिन पापा वो फैन तो आप ही के पास था। वो फैन तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने जितने भी फैंस देखे हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन है। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल मेरा पोता अपने डांसिंग एक्ट के लिए एक फैन ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने साइज के मुताबिक फैन मिल ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, देखिए ये आम फैन नहीं है, आप उसे इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लीज आप ये फैन मुझे दे दीजिए, काम पूरा होने पर मैं वापस कर दूंगा। और वो उनके पास रह गया। पापा वो फैन कितने चुका था? हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या वो एक और नया फैन नहीं बना सकता? बना तो सकता है, लेकिन पापा। तो इस तरह से ये सब हुआ है? अरे लेकिन ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्यों? पापा ने कहा कि तुम्हें जितना सामान चाहिए वो तुम ले सकते हो, लेकिन वो फैन तुम दोबारा बनाओ। लेकिन अगर उसे डांस एक्ट में यूज किया गया तो फिर? अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत दुख होगा और वो फिर दोबारा कभी डांस नहीं करना चाहेगी। प्लीज मुझे और मत डराओ, अगर उसे जल्दी वापस नहीं लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। रुको, अगर हम उसी साइज का एक और फैन ढूंढ लेंगे तो आसानी से तुम उसे बदल सकते हो, है ना? ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे नकली फैन देना चाहते हो। लेकिन इसमें गलती किसकी है बोलो? क्या वो मैं है? मिस्टर बेंजो ध्यान रखिएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर बेंजो, आप कामिया कैंटीन के एक रेगुलर कस्टमर हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस लेकर ही आऊँगा। अरे वाह, ये वाला फैन तो बहुत ही अच्छा है। जो फैन आपको कल मिला था, क्या आप उसे इस फैन से बदल सकते हैं? तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। क्यों, क्या मतलब है आपका? दरअसल मैंने आज सुबह ही उसे एयर मेल से भेज दिया है। क्या, क्या कहा? एयर मेल? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने उस फैन को कहाँ भेजा है? हवाई आइलैंड्स। हवाई? कितरेचू, तुम्हारी इन्वेंशन तो इंटरनेशनल बन गई है, क्या बात है। ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। हवाई तक जाने के लिए हम मैजिकल डोर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो अब क्या कुछ नहीं हो सकता कितरेचू? कितरेचू टोंगारे मिलने आया है, उसे भेज दीजिए मॉम। अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग यहाँ पर हो? हम सभी कुछ सोच रहे हैं, इसलिए तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अब उस फैन को लेने की बारी मेरी है। लेकिन तुम उस फैन को कहाँ यूज करना चाहते थे? वो मॉम का ख्याल है कि वो जब हवाई जाए उसे अपने साथ ले जाए। क्या कहा, हवाई? क्या वो हवाई जा रही है टोंगारी? अब हम क्या कर सकते हैं बूटा गोरिल्ला? टोंगारी मेरे दोस्त, तुम्हें आते ही ऐसी काम की बात बता देनी चाहिए थी ना, मैं ऐसे ही नाराज हुआ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो हवाई जा रही है, तब तो वो बड़ी आसानी से उस फैन को इस फैन के साथ बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच टोंगारी, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कितरेचु, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जरा मुझे बताओ तो। बस अब तुम ये समझ लो कि सब ठीक हो गया है, नो प्रॉब्लम। हम आज का दिन बहुत थकाने वाला दिन था। मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं ऐसी चीज फिर नहीं बनाऊंगा। अब हम आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि टोंगारी की मॉम उसे बदल देगी, है ना? www.animatronhindi2.blogspot.com। क्या तुम्हारी मॉम हवाई नहीं जा रही है, अब क्या होगा? वो दरअसल कितरेचु वो कहीं और जा रही है, उन्होंने शायद मुझसे झूठ बोला था। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया?
बूटा गोरिल्ला की वजह से उसे पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। अब हम क्या करेंगे? वैसे ये लो अपना फैन, अब मैं चलता हूँ। फैन वापस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी टोंगारी। जी यस यस, थैंक यू। हाँ मैं बेंजो बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। नहीं वो नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। लगता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए मुझे ठीक से इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसलिए दिक्कत हो रही है। हे समझ गया कुरुसुके, जाओ मेरे कमरे से ट्रांसलेटर लेकर आओ। ठीक है मैं भी आया। हाँ क्या कहा आपने, उसके अंदर था? प्लीज जब आप आइए तो उसे लेकर आइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है? अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किससे बात कर रही थी मॉम? एक टैक्सी कंपनी से था, उन्होंने फोन करके बताया कि उन्हें मेरा खोया हुआ पैकेट मिला है। क्या पापा फिर से पैकेट छोड़ गए? जहाँ तक मुझे याद है उसमें एक फैन रखा था। क्या कहा, फैन था? क्या कहा, उसमें फैन है? क्या मतलब वहाँ पर और भी फैन है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बनाया था। सारी गड़बड़ पापा ने की है। तो तुम्हें पता चल गया? मुझे माफ कर दो, मैं जब डीलर के पास जा रहा था तो उसे टैक्सी में ही भूल गया। और वो जो आपने बूटा गोरिल्ला को दिया था? मैंने बिल्कुल वैसा ही फैन खरीदा जैसा मुझसे खो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम बच गए कितरेत्सु। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया पापा? अगर बता देता तो ये बात सुनकर तुम्हारी मम्मा नाराज हो जाती। ये कोई मजाक की बात नहीं है, आपको पता है ना कि इस तरह से आपने कितनी चीजें गुम की हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी खबर है। हाँ ये तो अच्छा ही हुआ कि पापा से फैन वाला पैकेट गुम हो गया। आप कितने ग्रेट है पापा। कुरुसुके मैं समझा नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो कितरेत्सु? मैं तुम्हें एक बात बताऊं कितरेत्सु, मैं चिंता की वजह से पूरी रात नहीं सो पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? न्यू ईयर के लिए हम हवाई जा रहे थे पर सब गड़बड़ हो गई। प्लीज बूटा गोरिल्ला को ये बात मत बताना। तुम्हें तो पता ही है ना उसे ये बात पता चलने पर कितना गुस्सा आएगा। समुराय वादा करता है। गुड मॉर्निंग, पता है क्या हुआ, मम्मा वेलकम स्पीच नहीं देने वाली है। क्या सच में? हाँ वेलकम स्पीच देने के लिए कोई और राजी हो गया है। चलो अच्छा हुआ। अरे अब ये कहाँ से आ गया? टोंगारी पता है मैं अभी अभी तुम्हारी मॉम से मिलने गया था। हाँ, क्या कहा तुमने, मॉम से मिलने? हाँ मैंने उनसे कहा कि हवाई से मेरे लिए कुछ लेकर आए। और ये बताओ मॉम ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो जरूर लेकर आएंगी। तो इसका मतलब ये बुद्धू बन ही गया। देखो ऐसा नहीं कहते। कितरेत्सु सुबह सुबह खाने की बात मत करो, खाने की बात सुनकर मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, पता नहीं तुम्हें। मैंने खाने के बारे में कुछ कहा ही नहीं। लेकिन मैंने सुना है, मेरे कान पूरी तरह ठीक हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चुप हो जाओ, तुम कुरुसुके के साथ जाकर नूडल्स खाने की बात कर रहे थे, सही है ना? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अगर तुम्हारे कहने का ये मतलब नहीं था तो फिर क्या था बताओ? मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानता, तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ भी कह रहे हो, मुझे कभी छोड़ेगा।次回箱根山でドッキリ江戸時代の山賊たち絶対見るなりよ。